हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बचे हुए चावलों का फ्राइड राइस। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें डाल दूंगी 2-3 चम्मच घी। कभी भी हमारे पास चावल बच जाते हैं तो हमें उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। इस तरह से हम उनको कुक करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। थोड़े से खड़े मसाले डालने से और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इनका। थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाल दी है, एक तेज पत्ता डाल दिया है। हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे और ये सोया है, ये मैंने थोड़ी देर पहले सोक करके रख दी थी। और ये मैंने थोड़े से इसमें मखाने डाले हैं, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इनमें। सारा पानी निचोड़ के इनको मिक्स कर देंगे इसमें और थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। फिर ये सारी मैंने सब्जियां ले ली हैं, ये पहले ही मैंने बॉईल करके रख ली थी। इसमें कैरेट थी, बीन्स और थोड़ी सी गोभी थी। ये डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक, ये जीरा पाउडर है, ये थोड़ा सा गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल दिए हैं हमारे बचे हुए राइस। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।